मेरा नाम डॉक्टर मनजीत सिंह, मुख खेतीबाड़ी अफसर बठिंडा एंड मानसा जी। सर, किसानों नरमे की फसल लैके काफ़ी जी समस्या आ रही है। अच्छ पिंड दौरा करते पता चलिया कि नरमे को जी चिट्टी सूडी गुलाबी सूडी का जोड़ा असर वो देखने को मिल रहा है, की कहना चाहोगे? बिल्कुल जी, जिस तरह गुलाबी सूडी बारे साडिया टीम गुलाबी सूडी बारे लगातार सर्वे कर रही ने, अजे तक सानू कि ईटीएल लैवल तो जो नॉन थ्रेशहोल्ड लैवल हों तो उपर कित हमला नहीं मिले। हर पिंड पिंड जा के साडिया टीम ब्लाक पद्धर से पिंड पद्धर से टीम जा के सर्वे कर रही, अजे तक कोई नहीं। जेकर फिर भी किसी फार्मर किसी किसान भरा लगता कि मेरे खेत कोई प्रॉब्लम आ तो वो डायरैक्ट साढ़े ब्लाक लैवल पर जाके साढ़े खेतीबाड़ी विकास अफसर साढ़े ब्लाक खेतीबाड़ी अफसर में जे फिर भी हल नहीं तो उन्होंने लगता कोई गल तो मैं इतने मेरे दफ्तर आगे मिल सकता। सर, ये कहते भी जे पिंड थोड़ा जा तुसी थोड़े जिहड़े अधिकारी ने जे जान तां असीं उन्हां नूं वधिया तरीके नाल दस भी सकते हैं ते दिखा भी सकते हैं। देखो, साढ़े शड्यूल बने हुए ने, साढ़े अधिकारी हर पिंड जा रहे ने, अपने दिन वंडे हुए ने, पर फिर भी जेकर किसी किसान नूं लगता भी मेरा एमरजेंसी देखने वाली चीज़ है तो वो असीं आउट ऑफ टर्न भी उन्होंने के उन्होंने रिक्वेस्ट से उन्होंने खेत जाके विजिट करते हैं, तो जेकर किसी लगता तो साढ़े नोट्स से लिया सकते। नरमा जी सा पिछले साल 81,000 हेक्टेयर से ऐतकी जो वध के 96,000 हेक्टेयर हो गया जिला बठिंडे का नाम जी। जगसीर सिंह आई फूस मंडी पिंडा। फसल के हालात किदा दे ने तुहाडी दे, की कहना चाहोगे? फसल जी ज़्यादा बारिश करके मीह बहुत ज़्यादा पैने करके नरमा का आ समझ 2 किले हूँ डुब भी गया, देखी जाता जी सूँ। तो झोने भी ज़्यादा पानी है, झोने भी फसल जिमें कहने कोई उल्ली रोग हो गया, कोई फंगस हो गया, इस तरह बीमारियां पैनगियां, 2-3 हज़ार रुपया खर्चा होर एक्सट्रा वध गया झोने से। नरमा का खत्म ही जो हम ज़्यादा पानी खड़ा, क्योंकि नरमे की खेती ज़्यादा पानी नहीं भालती, ये ज़्यादा पानी से बच नहीं सकती। किन्ना क फसल का नुकसान होया जी? 2 किले बहुत डुबा जी नरमे का, अपना 3 किलों झोने चा घट्टो घट भी मन के चलो जी 50-60 हज़ार रुपया किले का खर्चा अपना फसल नुकसान हो गया। ना जी, कोई नहीं जो कोई आपदा होंगे उन्होंने कोई मसला कोई मुद्दा कोई होंगे काम धंधे कारोबार भी ए करके उदो आ, नहीं कोई नहीं पुछता इतने बुरा हाल आ।